बोलो बेटा बोलो। ये लीजिए महाराज, मंत्री जी भिखारी को जाकर दे दो। महाराज दो रुपए में क्या होगा, दो रुपए में तो बेटी का दहेज भी नहीं आएगा। चुप कर मूर्ख, फेंक दो इसको, बाहर ले जाओ। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। देखिए बच्चों की अपने प्रस्तुति देखिए, हमारे इन बच्चों में किसी प्रकार का देखिए डर भय नहीं है। राजा के सामने भी प्रस्तुति किस तरह से हो रही है आप ये देखिए। प्लीज सभी बच्चे बैठे रहें, कृपया देखिए नाटक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, मनमोहक प्रस्तुति हो रही है। हे स्वामी ये आपको क्या हो गया, हे स्वामी, हे स्वामी मैं तो बर्बाद हो गई, हे स्वामी ये आपको क्या हो गया, हे भगवान मेरे स्वामी को क्या हो गया, हे भगवान मेरे स्वामी को क्या हो गया, हे पिताजी ये क्या हो गया, आप ना जिएंगे कैसे, हे भगवान ये क्या हो गया, हे पिताश्री ये क्या हो गया, अब हम आपके बिना कैसे जी, हे भगवान ये क्या हो गया। शांत हो जाओ सब लोग, महारानी साहब अगर आप चाहें तो आपके पति जी में धो सकते हैं। कैसे कैसे साधु महाराज, उसके लिए तुम में से एक को अपने प्राण देने होंगे। क्यों महारानी साहब आप तो अपने प्राण दे ही दोगे, आप तो अपने महाराज से बहुत प्रेम करती थी। नहीं नहीं साधु महाराज, मैं अपने प्राण नहीं दूंगी, महाराज का क्या था, मरना था तो मर गए, मरना था तो मर गए, मैं तो धन दौलत पे राज करूंगी, राज मैं तो नहीं मरूंगी। क्यों बेटा तुम तो अपने प्राण दे ही दोगे, तुम तो अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। नहीं साधु महाराज मैं अपने प्राण नहीं दूंगा, पिताजी का क्या था, मरना था तो मर गए, मैं तो इस राजकाल को संभाल लूंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा, मैं अपने प्राण नहीं दूंगा। क्यों बेटी तुम तो अपने प्राण दे ही दोगे, तुम तो
जाएगा नहीं। तालियां तालियां। उठ जा बच्चा। साधु महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। जिन बीवी बच्चों के लिए इतनी कंजूसी हुई, इतना धन इकट्ठा किया था और मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। अब मैं इस घर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा और ये सारी धन दौलत मैं दान में दे दूंगा और वन में जाकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ये सारी धन दौलत मैं इसी वक्त दान में देता हूँ। जय हिंद जय भारत।